हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी चटपटी भरवा मिर्ची की रेसिपी। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही इजी है और ये टेस्टी तो इतनी बनती है कि आप नेक्स्ट टाइम हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। बच्चे बड़े सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये मोटी वाली मिर्ची यूज़ ली है। आप चाहें तो पतली वाली भी ले सकते हैं, पर इस मिर्ची से ये रेसिपी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो इन सारी मिर्चियों पर इस तरह एक एक चीरा लगा देंगे। मैं इन हरी मिर्चियों में से बीज नहीं निकाल रही क्योंकि इससे ये रेसिपी ज़्यादा टेस्टी बनती है। आपकी चॉइस है, आप चाहें तो बीज निकाल सकते हैं। तो इसी तरह सारी मिर्चियों में एक एक कट लगा लेंगे। ये मैंने सारी मिर्चियाँ काट ली है, अब इनको एक बार साइड में रख देते हैं। एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल। यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब इसको गर्म होने देंगे। जब ये तेल गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा, साथ ही इसमें डालेंगे ये थोड़ी सी सौंफ। ये आप ज़रूर डालिएगा, इससे ये मिर्ची बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून अजवाइन। इनको अच्छे से चटकने तक रोस्ट करेंगे। फ्लेम यहाँ मैंने लो टू मीडियम रखी है। अगर आप हाई फ्लेम पर इसको बनाएंगे तो ये हमारा मसाला जल जाएगा। अब इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून हींग। हींग का फ्लेवर इस मिर्ची में बहुत अच्छा आता है, तो आप ये ज़रूर डालिएगा। साथ ही डाल देंगे ये एक कप बेसन। मैंने यहाँ एक कप बेसन लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब इसको मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। इसको लगातार चलाना है वरना ये बेसन बहुत जल्दी जलने लग जाता है। इसको हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए 6 से 7 मिनट तक मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर रोस्ट किया है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, साथ ही इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, साथ ही डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और साथ ही इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। आप चाहें तो अमचूर पाउडर की जगह नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से हमारे रोस्टेड बेसन में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस मसाले को हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो ये मसाला हमारा हल्का सा ठंडा हो चुका है, मैंने इसको अलग से बाउल में निकाल लिया है। अब इस मसाले को हल्का सा गीला करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 स्पून ऑयल। इस स्टेज पर ऑयल ऐड करने से ये स्टफिंग हम आराम से मिर्ची में भर पाएंगे। तो इस ऑयल को अच्छे से सारे मसाले में मिक्स कर लें। तो ये मैंने सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमारी स्टफिंग अब तैयार है। अब ये एक हरी मिर्च लेंगे और इस तरह से खोलकर इसमें ये स्पून की हेल्प से हम ये स्टफिंग डाल देंगे। इस स्टफिंग को अच्छे से प्रेस करके इस मिर्ची में भर लीजिए। तो इसी तरह हम सारी मिर्चियां भरकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारी मिर्चियों में मैंने अच्छे से ये स्टफिंग डाल ली है और ये थोड़ा सा मसाला हमारा बच गया है, इसको हम आगे यूज़ कर लेंगे। अब कढ़ाई में मैंने पहले से अच्छे से ऑयल गर्म करके रखा है, मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। इन मिर्चियों को एक एक करके ध्यान से इसमें रख देंगे। अब इन मिर्चियों को ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम रखी है, आप हाई फ्लेम बिल्कुल मत करिएगा। तो 2 मिनट हो चुके हैं इन मिर्चियों को पकते हुए। इन मिर्चियों को खोलकर अच्छे से पलट दीजिए और साथ ही ये हमारी बची हुई स्टफिंग भी डाल देंगे। इसको सारी मिर्चियों पर अच्छे से कोट कर देंगे और अब इसको फिर से हम ढककर पकाएंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। तो ये देखिए हमारी सारी मिर्चियां अच्छे से पक चुकी है, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ परांठे के साथ सर्व करें और साथ ही आप इसको 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप इस भरवा मिर्ची की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत टेस्टी बनी थी।
और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।